शहर क्यों नहीं गई? अच्छा एक शेर पढ़ते ताकि भाई हम जल्दी शेर नहीं पढ़ते कि यूं तो कई मकान से होकर गुजर गया, ये कौन सी जगह है जहां दिल ठहर गया। आइए पढ़िए तो शेर पढ़िए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मजहर साहब ने कहा कि ये और क्यों नहीं ठहर गई, कहीं और ये क्यों नहीं ठहर गई। हमारा हिंदुस्तान इतना प्यारा है कि इस हिंदुस्तान को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। ये तो कह दीजिए कि जौनपुर इतना प्यारा है कि आबाद से जौनपुर ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं गजल का मतलब और चंद शेर आप तक पहुंचाती हूँ, फिर गीत की फरमाइश आप कर रहे हैं पढ़ूंगी मैं इंशाल्लाह। तन्हाई में मिलना तुम फरमाए, लेकिन ऐसे नहीं, तालियों से मुझे एक बार बताएं कि आप सुन रहे हैं। अच्छा आगे के लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसे ताली बजाने के लिए नहीं, इसे हमने उधार मांग लिया है, तो थोड़ा सा ताली बजाएं आप लोग पढ़ते समाज फरमाए। तन्हाई में मिलना तुम, तन्हाई में मिलना तुम एक काम जरूरी है। तन्हाई में मिलना तुम एक काम जरूरी है, राधा के लिए जैसे घनश्याम जरूरी है, राधा के लिए जैसे घनश्याम जरूरी है। अब देखिए मजार साहब फिर कह देंगे आप जौनपुर का नाम ले रही हैं, लेकिन मैं जौनपुर वालों के हवाले से एक बंद पढ़ती हूँ समाज फरमाए। जब भी तू पुकारेगा मैं दौड़ी चली आऊंगी। इस पे क्या कहें इंशाल्लाह। जब भी तू पुकारेगा मैं दौड़ी चली आऊंगी, साथ तेरे प्यार का मैं गीत गुनगुनाऊंगी, साथ तेरे प्यार का मैं गीत गुनगुनाऊंगी। मैं हूँ तेरे सबको बताऊंगी, तू है मेरा मैं हूँ तेरे सबको बताऊंगी, साथ तेरे प्यार का मैं गीत गुनगुनाऊंगी, साथ तेरे प्यार का मैं गीत गुनगुनाऊंगी। जीने के लिए मेरे, जीने के लिए मेरे तेरा नाम जरूरी है, के लिए जैसे घनश्याम जरूरी
राधा के लिए जैसे घनश्याम जरूरी है। श्याम ढल छत पे तो मिल नहीं आता है, श्याम ढल छत पे तो मिल नहीं आता है। बोलना ए चांद मुझे क्यों तू सताता है, बोलना ए चांद मुझे क्यों तू सताता है। आधी रात होते ही तू छत पे बुलाता है, आधी रात होते ही तू छत पे बुलाता है। बोलना ए चांद मुझे क्यों तू सताता है, बोलना ए चांद मुझे क्यों तू सताता है। मिलने के लिए थोड़ा, मिलने के लिए थोड़ा, मिलने के लिए थोड़ा।